सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज़ में। चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव के कालाधन दिग्गजों की 60 सीटें आई निगरानी में भोपाल। प्रदेश के कितने मंत्री विधायक विधानसभा चुनाव में काले धन का बेहिसाब उपयोग कर मतदाताओं को प्रलोभित कर सकते हैं, इसका लेखा जोखा चुनाव आयोग ने तैयार करना शुरू कर दिया है। उनके निर्देश पर आयकर विभाग ने 60 दिग्गज प्रत्याशियों की रिपोर्ट एक्सपेंडिचर सेंसिटिव जोन में कमेटी को सौंप दी है। इस कमेटी में आयकर, GST, पुलिस, बैंक और चुनाव आयोग के अफसर शामिल हैं। कमेटी में रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद आयकर विभाग ने इन सीट पर होने वाले कैश फ्लो पर नज़र रखने के लिए खुफिया एजेंसी तैयार कर दी है। केंद्र ने माना 36 रफाल और उनके हथियार हूबहू पुराने सौदे जैसे, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र ने सोमवार को रफाल सौदे के निर्णय प्रक्रिया और ऑफसेंट पर साझेदार की जुड़ी जानकारी याचिकाकर्ताओं को सौंप दी। कुल 16 पेज में दी गई जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने ताजा सौदे के तहत खरीदी जा रहे 36 रफाल विमान व उनके हथियार यूरिया UPA सरकार के तहत हुए विमान जैसे ही हैं। अब तक सरकार इसे पहले से उन्नत व गोपनीय बताती आई थी। देश में बिना सोचे समझे साझा करते हैं लोग फर्जी खबरें, नई दिल्ली। देश में दक्षिणपंथी और राष्ट्रवाद से जुड़ी फेक न्यूज़ का प्रसार तेजी से हो रहा है। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से बिना खबर की सत्यता जाने बड़े पैमाने पर उसका प्रसार प्रसार करते हैं। ये बातें BBC के शोध में सामने आई हैं। चीन की नई लेजर रक्षा प्रणाली, हमला हवा में ही होगा विफल, बीजिंग। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वायु सेना के 69वें स्थापना दिवस पर जुहाई शहर में आयोजित एयर शो का रविवार को समापन हो गया। इस शो के दौरान चीन ने नई लेजर रक्षा प्रणाली LW-30 की प्रदर्शनी की। वोट बैंक की नहीं जनता विकास की राजनीति चाहती है मोदी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश सिर्फ विकास की राजनीति चाहता है, जनता अपने फैसले विकास देखकर ही करती है, वोट बैंक की राजनीति देखकर नहीं। G7 29 दूर दराज के क्षेत्र में बेहतर होगा संचार सुविधा, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अत्याधुनिक संचार उपकरण G7 29 का प्रेक्षण बुधवार को होगा। इसे श्री हरिकोट स्थित अंतरिक्ष केंद्र के GSIV Mark 3D2 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हालांकि इसरो ने कहा है कि प्रेक्षण मौसम पर निर्भर करेगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान गाजा का असर श्री हरिकोट में हो सकता है। जंगल की आग से तबाह हुआ स्पार्टन के राजा का घर, लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया के जंगल में गुरुवार सुबह से लगी भीषण आग फैलने से अब तक 6,700 घर आग के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस आग में आम आदमी ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार भी बेघर हो गए हैं। कई जानी मानी हस्तियों के घर खाली करा लिए गए हैं। कोहली रोहित को पीछे छोड़ा मिताली राय ने, नई दिल्ली। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने के मामले में भारतीय महिला क्रिकेटर अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज ने टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। मिताली 2,200 रन बनाकर टीम इंडिया के पुरुष व महिला टीमों के सभी बल्लेबाजों में टॉप पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड रविवार को महिला T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया। दिग्गज मैसी के बाद भी बेतिस के हाथों हार बार्सिलोना। अपने ही घर में खेले गए मैच में बार्सिलोना क्लब को रियल बेतिस के हाथों में उलटफेर का शिकार होना पड़ा। क्लब नाउ स्टेडियम में रविवार देर रात खेले गए मैच में बेतिस क्लब ने बार्सिलोना को 4-3 से मात दी। पिछले 2 वर्ष में पहली बार बार्सिलोना को अपने घर में खेल के दौरान मैच में हार का सामना करना पड़ा। यूनिटी ने तोड़ा ताज का रिकॉर्ड, अहमदाबाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 1 से 11 नवंबर के बीच में 1.28 लाख पर्यटक यहां आ चुके हैं। यह ताजमहल के पर्यटक से भी ज़्यादा है।
साथ ही अब तक 50 लाख से ज़्यादा की कमाई भी हो चुकी है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।